हेलो फ्रेंड्स नाउ लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर दैट इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड कभी भी किसी भी कंपनी में अगर शेयर होल्डर के साथ या क्रेडिटर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उनके जो ड्यूज है उसमें आप रिडक्शन कर रहे हो लाइक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहे हो शेयर्स को स्प्लिट कर रहे हो या तो अमालगमेशन कर रहे हो चाहे वो एक्सटर्नल अमालगमेशन है या वगैरह बाय एनी ऑफ द मेथड तो वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या अमाल करने के वक्त आपको बहुत सारी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है विच इज मैं दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्टिंग विद टू थर्टी एंड तो एक कंसेप्ट जो बेसिक है वो समझिए कि कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट होता है राइट में या तो लाइबिलिटी में आप अब सामने वाले के राइट्स कम कर रहे हो आपकी लाइबिलिटी कम कर रहे हो इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द कंपनी एंड द क्रेडिटर द कंपनी एंड द शेयर होल्डर दैट इज द मेंबर एंड ड्यू टू डिस्प्यूट आर एंड बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन तो तो कोई स्कीम आएगी या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट से कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है या कोई अरेंजमेंट भी हो सकती है इट कैन रिजल्ट इन टू मर्जर और अमाल इट कैन बी बाई बैक इट कैन बी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जहां पे आप अपनी ही कंपनी में सारी चीजें चेंज कर रहे हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जहां पे एक दूसरी कंपनी विद द सेम नेम आपकी कंपनी को अक्वायर कर रही है शेयर स्प्लिटअप रिवर्स शेयर स्प्लिटअप अमाल गमेशन जनरली दो तरीके का होता है नेचर ऑफ मर्जर एंड दूसरा नेचर ऑफ परचेज नेचर ऑफ मर्जर जहां पे सारी असेट एंड लाइब्रिटी ले लिया जाता है एट बुक वैल्यू बिजनेस कंटिन्यू करने का एक मेन इंटेंशन होता है नेचर ऑफ परचेज जहां पे सारे बुक्स एंड एंड सारे लाइब्रिटी शायद नहीं भी लिए जाए बुक वैल्यू पे शायद ना भी लिया जाए बिजनेस शायद कंटिन्यू ना भी हो एटलीस्ट नाइनटी परसेंट शेयर होल्डर शायद ये नई कंपनी के शेयर होल्डर ना भी बने आप कैश के अलावा भी कोई चीजें अगर उन्हें एक्सचेंज में देते हो तो नेचर ऑफ होता है। ये कोई भी चीज अगर होती है तो आपको इस चैप्टर के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले आता है सेक्शन 230। एक पूरी प्रोसीजर मैंने, यहाँ पे आपको दी हुई है। मैंने जिस तरीके से लिखा है इट विल से माइंड सेट फॉर यू कि हाँ भैया ये प्रोसीजर होती है इसका मॉड्यूल के साथ पूरा लिंक करके क्रैश कोर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है यहां पे प्रोसीजर में बेसिकली होता क्या है सबसे पहले एक बेसिक नोटिस दी जाती है एक बेसिक एप्लीकेशन की जाती है ट्राइब्यूनल अगर ट्राइब्यूनल को सब चीज सही लगती है तो वो बेसिकली एक मीटिंग बुलाता है क्रेडिटर्स के बीच में शेयर होल्डर्स के बीच में उस मीटिंग में वोटिंग करवाया जाता है कि आप लोगों में से कितने लोग इस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के लिए अग्री होते हैं अगर रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्विजिट नंबर ऑफ क्रेडिटर्स ने ये अप्रूव कर दिया तो ये स्कीम वापस ट्राइब्यूनल के पास जाती है फिर ट्राइब्यूनल अप्रूव भी कर सकती है वापस रिजेक्ट भी कर सकती है और अगर ट्राइब्यूनल कर दिया तो उस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा जिसके ऊपर वापस सुपरवाइज सुपरविजन भी रख सकती है ये मैंने एक जनरल प्रोसेस बताई सबसे पहले ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन करो ट्राइब्यूनल मीटिंग बुलाएगा जिसमें वोटिंग होगी फिर वापस ट्राइब्यूनल अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा पर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन करने के वक्त कौन सी चीजें देनी होती है मीटिंग की नोटिस देते वक्त कौन सी चीजें उसमें देनी होती है कितने लोगों की मिनिमम वोटिंग चाहिए एक बार ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया फिर क्या क्या ये सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले तो ट्राइब्यूनल को इसके लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है इट कैन बी बाय द कंपनी दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इट कैन बी बाय द क्रेडिटर और बाय द शेयर होल्डर्स और लिक्विडेटर कैन ऑल्सो डू दिस इन केस ऑफ वाइंडिंग एप्लीकेशन होगी उसमें कौन सी कौन सी चीजें इंक्लूडेड होगी

प्लस इट शुड बी अप्रूव से पहले 75 creditors ने किया होना चाहिए. Plus, आपके हर एक और असेट के वैल्यूएशन आपको भेजने पड़ते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा यानी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एक अलग चैप्टर है जहां पर हम पढ़ेंगे वो वैल्यूएशन करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज की और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको कंपलसरी देना पड़ता है ट्राइब्यूनल को ताकि वो कुछ रेफरेंस से ले सके

याद रखो सबकी एक ही मीटिंग नहीं होगी कि चलो क्रेडिटर भी आ जाओ मेंबर भी आ जाओ नहीं मेंबर्स की अलग क्रेडिटर्स की अलग क्रेडिटर्स में भी अगर मान लो डिबेंचर्स है फॉर डिपल छे टका अलग मीटिंग सात टका की अलग मीटिंग क्लास की मीटिंग अलग अलग होगी बिटवीन अफेक्टेड क्लासेज एंड सेपरेट मीटिंग फॉर सेपरेट क्लास ये मीटिंग बुलाने के लिए भी तो नोटिस भेजी जाएगी कि इस दिन पे ये मीटिंग है उस नोटिस के साथ साथ भी आप कौन सी चीजें भेजोगे कंटेंट ऑफ द स्कीम टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल्स अभी तो फिलहाल ये सारी चीजें मेल में ही आ जाती है कि यह स्कीम क्या है उसमें हम क्या प्रपोज करने जा रहे हैं कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्टर्ड व स्कीम ऑन प्रमोटर डिरेक्टर और मैनेजिंग डिरेक्टर की इस स्कीम की वजह से प्रमोटर्स को क्या होगा उनके वेल्थ में क्या फर्क पड़ेगा क्रेडिटर्स डेटर्स को क्या फर्क पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को क्या फर्क पड़ेगा शेयर होल्डर के राइट right कैसे चेंज होंगे

मान लो के पास 90 परसेंट से ज्यादा क्रेडिटर ये मीटिंग मान लो सिर्फ क्रेडिटर्स के बीच में होने वाली थी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग थी सिर्फ क्रेडिटर्स के बीच में होने वाली थी अभी मेंसेंट या उससे ज्यादा क्रेडिटर्स पहले से ही अग्री कर दिए एफिडेविट के थ्रू कि भैया हमको तो ये चीज अग्री अभी मीटिंग बुला के खाम खा आप टाइम एक्सटेंड मत करो तो ट्राइब्यूनल मे अलाउ टू तो डिस्पेंस विद द मीटिंग सो so, ट्रिब्यूनल कैन डिस्पेंस द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इफ एटलीस्ट नाइनटी इन वैल्यू अग्री

कितने लोगों को यह स्कीम अप्रूव करनी पड़े इट शुड बी मेजोरिटी इन द नंबर इट शुड बी मेजोरिटी इन द नंबर प्लस थ्री फोर्थ इन द वैल्यू दैट इज पचास टका से ज्यादा numbers में और उनकी वैल्यू टोटल का पचहत्तर टका से ज्यादा जो प्रेजेंटेड है एंड वोटेड है वही हा ये याद रखना मान लो छ से छ सौ टोटल मेंबर जिसमें से मीटिंग में सिर्फ पांच सौ लोग आए वोटिंग सिर्फ चार सौ लोगों ने की तो तो चार सौ का होना चाहिए एटलीस्ट और वैल्यू भी सेवेंटी फाइव परसेंट इज चार की वैल्यू का वो प्रॉक्सी भी हो सकता है पोस्टल बैलेट भी हो सकता है इन पर्सन प्रेजेंटेड हो सकता है और हाँ अगर पोस्टल बैलेट है तो वो विद इन वन मंथ ऑफ द नोटिस आ जाना चाहिए तो मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है कि 800 मेंबर में से 400 मेंबर्स ने ने मीटिंग अटेंड की 300 ने वोट किया तो 50 और पचहत्तर टका किसका कोई ऑब्जेक्शन रेस कर सकता है हाँ रेस कर सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार अप्रूव कर दिया तो फुल एंड फाइनल इसके सामने ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो ये जो ऑब्जेक्शन है वो कौन रेस कर सकता है अगर वो मेंबर्स है शेयर कैपिटल है

अगर ये ऑडिटर फाइल कर देता है ट्रिब्यूनल को सारी चीजें सही लगती है तो ट्राइब्यूनल को क्या कर देंगे अप्रूव कर देंगे ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल फिल्ड टू आर इन डेज एंड इट विल बी बाइंडिंग टू ऑल थर्टीनल का जो भी ऑर्डर आए वो आपको आर ओसी को फाइल करना है विद इन थर्टी डेज जो सब पे बाइंडिंग रहेगा अगर इस ऑर्डर में बायबैक के बारे में बोला गया है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज तो बायबैक का जो शेयर्स का होता है उसमें सेक्शन 68 की प्रोसीजर तो फॉलो करनी ही है उसके ऊपर ये सारी प्रोसीजर पर अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है तो उसमें सेक्शन 66 फॉलो ना करो तो चले फिर सेक्शन 230 ही फॉलो करो थोड़े ओल्ड जजमेंट है ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास करने से पहले कुछ और चीजों के ध्यान भी रखेगा कि फेयर प्रेजेंटेशन हुआ है कि नहीं ये स्कीम सही में फेयर एंड रिजनेबल है कि नहीं जिन जिन लोगों ने हाँ बोला उनके रीजन क्या थे कुछ कुछ लोगों ने ना भी तो बोला होगा स्कीम के लिए तो उनके रीजन क्या थे क्या वो वैलिड पॉइंट थे अगर हाँ तो हम वो भी कंसिडर करेंगे तो बिफोर गिविंग ऑर्डर ट्रिब्यूनल शुड ऑल दिस थिंग्स ध्यान रखिए अपनी कंट्री में ना वाइंडिंग अप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनसीएलटी को डिस्टर्ब किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए इसके अलावा जितने भी सारे झगड़े हैं पेनल्टीज वगैरह ये सब के लिए एनसीएलटी में नहीं जाया करते इन सब के लिए स्पेशल कोर्ट में जाया करते ये सारी चीजें मैं बाद में भी क्लियर करूंगा पर ये एनसीएलटी बहुत कम जगह पे आती है एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया इसका मीनिंग ये नहीं है कि ट्रिब्यूनल की सारी जिम्मेदारी खत्म नहीं ट्रिब्यूनल ये निगरानी रख सकती है वो अपॉइंट कर सकती है पर्सन को जो देखेंगे कि ये स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है सो आफ्टर पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन टू फॉर सेंशनिंग द कॉम्प्रोमाइज और अरेजमेंट ट्रिब्यूनल इज हैविंग द पावर टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेजमेंट टू गिव सच डिरेक्शन मॉडिफिकेशन फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो निगरानी रख सकती है कोई प्रॉपर ऑर्डर दे सकती है कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज का अभी आप टाइम पीरियड ऐसे रखो वगैरह वगैरह अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज और अरेजमेंट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड बाई द कंपनी एज पर द स्कीम और कंपनी ने जो तय किया था उस हिसाब से डेट पे नहीं कर सकती तो वो वाइंडिंगअप का ऑर्डर भी पास करवा सकती है अंडर सेक्शन टू सेवेंटी थ्री कंपनी को वाइंड अप करवा देगी इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना फ्रेंड सेक्शन 232। थर्टी टू अगर आपने टू थर्टी की एप्लीकेशन में ऐसा दिखाया कि देर इज अ मर्जर और अमाल गमेशन तो आपको सेक्शन टू थर्टी तो फॉलो करना ही है उसके ऊपर टू थर्टी टू के थोड़े प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे सो इफ इट इज नॉट अ मर्जर और अमाल गमेशन देन ओनली सेक्शन टू थर्टी बट इफ इट इज So, where application is made to tribunal under section 230 and it is shown to the tribunal that the compromise or arrangement has been proposed for a scheme of reconstruction involving merger or amalgamation or whole or part of asset or liability of transferrer to be transferred to transfer or properties to be divided into two company demerger. Then on such application ट्राइब्यूनल विल ऑर्डर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड सेक्शन टू थर्टी टू थर्टी तो अपलाई होगा ही मीटिंग तो होगी ही पर स्पेसिफिक डालने की बोली मीटिंग की आप नोटिस भेजते हो उसमें पहले बहुत सारी चीजें भेज रहे थे उसके साथ साथ थोड़ा और भेजो ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज स्कीम वो तो टू थर्टी में भी भेजना है कंफर्मेशन दैट कॉपी ऑफ ड्राफ्ट इज सबिटेड टू आरओसी ये एक नई चीज है जो सेक्शन टू थर्टी में नहीं थी रिपोर्ट अडोप्टेड बाई डिरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनेशन देना था यहां पर तो डायरेक्टर का रिपोर्ट भी साथ में चाहिए यह एडिशनल है रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट विध रिगार्ड टू वैल्यूएशन ये तो टू थर्टी में भी था सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट मान लो आपका जो लेटेस्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो छह महीने से भी पहले का है तो लेटेस्ट छह महीने से ज्यादा के पीरियड का जितना भी कम पीरियड है यानी सात महीना आठ महीना उसका एक सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए तो प्रेजेंट कंडीशन आपको पता चल पाए वंस द द ट्रिब्यूनल स्कीम ऑफ मर्जर और यानी कि बाद में टू थर्टी की प्रोसेस हुई मीटिंग हुई मीटिंग में पचास टका नंबर पचहत्तर टका वैल्यू ने अप्रूव कर दिया ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया अप्रूवल का उसके बाद ट्रिब्यूनल एक दूसरा ऑर्डर पास करेगा स्पेसिफिकली मर्जर और अमालगमेशन के लिए ये भी पूरा 232 में से आया सबसे पहला टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी लायबिलिटी अंडरटेकिंग टू द ट्रांसफर री कंपनी क्या आपने तय किया है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को असेट लायबिलिटी ट्रांसफर करेगी तो कौन सी डेट से ये चीज ट्रांसफर होनी चाहिए कब तक ट्रांसफर हो जानी चाहिए अगर पार्टीज ट्रिब्यूनल ने डिसाइड की है तो ठीक है वरना ये एक पर्टिकुलर डेट होगी टू अलॉट अप्रोप्रिएट शेयर डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट इन अदर कंपनी और पर्सन अमाल हो रहा है तो दूसरे लोगों को शेयर वगैरह भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे उसका भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर चाहिए ताकि अगर वो फॉलो ना करो तो आपके सामने प्रोसीडिंग्स चल पाए याद रखना जो कंपनी शेयर्स दे रही है उसी कंपनी को खुद के पास वो शेयर्स वापस नहीं आने चाहिए आधर बाय वे ऑफ सब्सिडरी ट्रस्ट एक्सेट्रा कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स पुरानी कंपनी में चल रही थी वो अभी नई अमाल गंपनी में वापस चालू होगी ट्रांसफर कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी में एक्सिस्टेंसानाउटिंग पे ऑफ करनी थी पे तो वो सारी चीजें ट्रांसफर हो गई तो अभी वो प्रोसेस थोड़ी तो फॉलो करोगे अभी सीधा क्या होगा डिजोल्यूशन प्रोविजन टू बी मेड फॉर डिसेंडिंग शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर स्कीम में हिस्सा नहीं ले रहे उनको भी तो कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा उनका भी तो प्रोविजन होना चाहिए

हाँ, ये लिमिट नए अमेंडमेंट एक्ट में जो बजट आया रिसेंटली उसमें अमेंड हो चुकी है पर आपके सिलेबस के लिए आप याद रखो पचास लाख दो करोड़ ये दो स्मॉल कंपनीज को अमाल मर्ज होना है तो ये इतनी लंबी प्रोसीजर थोड़ी फॉलो करेंगे इसके लिए उन्होंने एक फास्ट ट्रैक मेथड यहां पे दिया सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मेथड मर्जर और अमाल सर्टेन कंपनीज इन फास्ट ट्रैक मेथड अगर ये दो कंपनी कौन सी टू और मोर स्मॉल कंपनी और होल्डिंग एंड स्किप कर सकते हो और 233 follow कर सकते हो। See, option. ये ऑप्शन नहीं है कि compulsory fast track में ही जाओ। आपको ऑप्शन दिया है अगर आपको जाना है तो जाओ अगर आपको ट्रैक में नहीं जाना तो कोई नहीं normal procedure करो। में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है दो स्मॉल कंपनीज है वो लोग नॉर्मल प्रोसीजर 232 की फॉलो करके अपने आप को मैलगमेट करना चाहती है वो नहीं कर सकते कर सकते हैं फास्ट ट्रैक फॉलो करना कंपलसरी नहीं है अगर आप लोग फास्ट ट्रैक मेथड में जाते हो तो क्या नोटिस टू बी गिवन फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज टू आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर देखो 230 में तो सारे सेक्टरल रेगुलेटर्स पिक्चर में आते थे यहाँ पे सिर्फ आरओसी और लिक्विडेटर अगर है तो वो ही पिक्चर में आएगा क्योंकि स्मॉल कंपनी है बाकी सारे लोगों को इतना फर्क पड़ता नहीं है और आपको अप्रूवल लेनी है कितने लोगों की शेयर होल्डर्स की जिसका 90 परसेंट जिसके पास कंपनी का 90 परसेंट शेयर होल्डिंग है नंबर्स यहाँ पे नहीं देखने और क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़े इन द मीटिंग जो जिसके पास एटलीस्ट नाइनटी लोन है और मेजोरिटी नंबर है और ये जो क्रेडिटर्स की मीटिंग है, उसकी नोटिस इक्कीस तो नहीं पड़ा ना वहां पे, पे शेयर होल्डर में सिर्फ वैल्यू देखनी है नाइनटी परसेंट यहां पे क्रेडिटर में नाइनटी परसेंट वैल्यू प्लस मेजोरिटी नंबर भी होना चाहिए ये तो बढ़ गया हां तो बढ़ गया छोटी प्रोसीजर होती है तो ज्यादा लोगों की कंसेंट भी तो चाहिए बोथ कंपनी विल फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी टू रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस सोलवेंसी का एक uh, भाई हम सोल्वेंट है सारे पे ऑफ असर लाइबिलिटी कर पाएंगे नो वरी इन दैट नोटिस ऑफ अप्रूवल टू बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट आर ओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर यह मेबर्स ने क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया इसके लिए आप आर ओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेज दो अगर आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर को अभी भी कोई ऑब्जेक्शन है तो ये विद इन थर्टी डेज इन्फॉर्म करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है तो कुछ नहीं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को ऑब्जेक्शन है तो या तो अगर ऑफिशियल के पास से ऑब्जेक्शन आया है तो वो नोटिस मिलने के सिक्सटी डेज के अंदर अंदर इट विल अप्लाई टू ट्राइब्यूनल ट्रिब्यूनल पर नहीं भी जा सकता यानी कि आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन देगा उसका मीनिंग ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसरी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा अगर उसे लगे तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा अगर ट्राइब्यूनल के पास गया तो ट्राइब्यूनल कंपनी को टू थर्टी टू फॉलो करने के लिए भी बोल सकती है कि भैया आप नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो फास्ट ट्रैक नहीं चलेगा या कोई दूसरा डिरेक्शन भी ट्राइब्यूनल दे सकती है हाँ ट्राइब्यूनल के पास कोई एप्लीकेशन नहीं गई इसका मीनिंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सब कुछ सही से चला जाएगा एक बार सब कुछ सही से अप्रूव हो गया उसके बाद क्या स्कीम रजिस्टर्ड हो जाएगी ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी विदाउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप उसकी सारी असेट एंड लायबिलिटी नई कंपनी को ट्रांसफर होगी जो भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया था वो अभी नई कंपनी के चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स है तो वो नई कंपनी के सामने कंटिन्यू हो होगी मेंबर्स का कोई भी अनपेड अमाउंट था तो वो अभी पे कौन करेगा नई कंपनी पे करेगी यानी कि जो भी असेट एंड लाइबिलिटी पुरानी कंपनी के थे वो सारे अभी नई कंपनी के हो जाएंगे ट्रांसफर ही कंपनी खुद के नाम पे शेयर्स होल्ड नहीं करेगी आफ्टर मर्जर और रमाल वो सारे शेयर्स उसे कैंसिल कर देने पड़े

इसमें आपको आरबीआई को भी पिक्चर में लाना पड़े और उसके एफ के रूल्स के हिसाब से वो जिस तरीके से पेमेंट करने का बोले उस हिसाब से पेमेंट करना पड़े सो ऑल द प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विल विल आरबीआई मेक द रूल्स फॉर दिस इफ प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉरेन कंपनी मर्ज इंटू अन कंपनी देन फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर को कंसिडरेशन भी तो पे करना पड़ेगा ये कंसिडरेशन कैसे पे करोगे कैश से पे कर सकोगे या तो इन डिपोजिटरी रिसिप्ट इसके अलावा कुछ नहीं कैश या तो डिपोजिटरी रिसिप्ट ये दोनों से ही आप पे कर सकते हो ये आरबीआई का रूल है जो आपको फॉलो फॉलो करना करना माइंड वेल सेक्शन 230 एंड 232 तो करना ही है उसमें कोई चेंज नहीं है फिर आता है सेक्शन 235 पावर टू अक्वायर शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अपड बाय मेजोरिटी कॉर्पोरेट टेक ओवर बोलते हैं जिसे इसका मर्जर अमाल कमीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है ये एक सेपरेट टॉपिक है टू थर्टी फाइव कॉर्पोरेट टेक ओवर इसका मीनिंग क्या किसी भी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के सारे शेयर परचेज करने हैं तो वो एक स्कीम रखेगी उस नई कंपनी के सामने दैट आई वॉन्ट टू परचेज ऑल योर शेयर तो ये स्कीम तो सारे शेयर होल्डर्स को ही अप्रूव करनी पड़े अगर 90 परसेंट जितने शेयर होल्डर्स ने ये स्कीम को अप्रूव कर दिया तो जिस कंपनी ने ये ऑफर रखी वो विदिन अ प्रिस्क्राइब टाइम सारे शेयर्स को अक्वायर करके उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगी इसे हम रियल लाइफ में बोलते हैं कॉर्पोरेट टेक ओवर जिसके लिए सेक्शन बना है सेक्शन टू थर्टी फाइव लेट्सिंग ऑफ द शेयर अप्रूव विद इन फोर मंथ बाय द ट्रांसफर कंपनी चार महीने ये स्कीम जिस दिन से रखी गई उसके चार महीने के अंदर अंदर इसे अप्रूव करना पड़े कौन अप्रूव करेगा बाय द शेयर होल्डर हैविंग नॉट लेस देन नाइनटी परसेंट ऑफ द शेयर कैपिटल जिसके पास इस कंपनी की नाइनटी परसेंट शेयर कैपिटल है वो इसको अप्रूव करेंगे हाँ जो कंपनी ऑफर रख रही है अगर वही इस कंपनी की शेयर होल्डर है तो उसका शेयर इसमें नहीं गिना जाएगा विद इन नाइनटी इट विल नॉट बी काउंटेड ट्रांसफरी कंपनी गिव द नोटिस टू शेयर होल्डर इन मंथ फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ मंथ अगर 90 जितने लोगों ने स्कीम अप्रूव कर दी तो बाकी के लोग जो स्कीम के खिलाफ थे उसको वापस एक नोटिस भेजो विद इन टू मंथ आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस चार महीने खत्म होने के दो महीने के अंदर अंदर वापस एक नोटिस भेजो कि शांति से समझा रहा हूं आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो करते हैं तो ठीक है अगर नहीं करते हैं तो भी ट्रांसफर वो लायबिलिटी भी है उसकी टू द शेयर टर्म्स एंड कंडीशन ऑन एक्सपायरी ऑफ वन मंथ फ्रॉम द नोटिस इफ नो एप्लीकेशन मेड टू ट्राइब्यूनल बाय सच शेयर होल्डर अगर उनको प्राइजिंग से कुछ लेना देना नहीं है सी वो ट्राइब्यूनल में क्यों जाएंगे थोड़े प्राइस में बार्गेनिंग करने के लिए अगर वो लोग ट्राइब्यूनल में गए तो ये जो नोटिस मिली उसके एक महीने के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल में जाना पड़े गए तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर तक की ही देखो मान लो वो लोग ट्राइब्यूनल में नहीं गए तो एक महीने के बाद ये यह कंपनी उन माइनॉरिटी के के पास से, के पास से से यानी कि इन डिसेंटिंग सारे शेयर्स उसी प्राइस पे करेगी जिस प्राइस पे वो 90 परसेंट के देने वाली है मैंने जैसे बताया एक महीने के अंदर अंदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं रिलीफ के लिए क्लेम कर सकते हैं ट्रांसफर एक्सपायरी ऑफ वन मंथ अगर वो लोग ट्राइब्यूनल में नहीं गए, तो गए पर ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट कर दी तो नोटिस ने मना किया था uh, को, नोटिस को भेजेगी कि अब टाइम आ गया है मैं आपको पैसे दूंगा आप सारे शेयर मेरे नाम पर कन्वर्ट कर दो करेगी इट विल रजिस्टर विद इन दू वन मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन वन मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन और वो कंपनी एक महीने के अंदर अंदर शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर कर देगी के नाम पे ट्रांसफर दी अमाउंट पेट भी तो पे करनी पड़े पर यह कंपनी ना हर एक शेयर होल्डर को अलग अलग अमाउंट पे नहीं करेगी ये कंपनी क्या करेगी ट्रांसफर कंपनी को सारी अमाउंट ट्रांसफर कर देगी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में और ये जो कंपनी है वो एज अ ट्रस्टी अपने सारे शेयर होल्डर को अमाउंट पे करेगी विदिन सिक्सटी डेज तो साठ दिन के अंदर अंदर सारा पेमेंट हो जाना चाहिए यहाँ पे बहुत सारी टाइम लिमिट्स आई अगर आपने ध्यान से देखा हो तो चार महीने में स्कीम को अप्रूव करो चार महीने के बाद दो महीने में डिसेंटिंग को नोटिस भेजो वो उस नोटिस के बाद एक महीने के अंदर अंदर आया तो ठीक है अगर एक महीना एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देना पड़े पेमेंट ट्रांसफर कर दिया तो एक महीने के अंदर अंदर नाम आपका रजिस्टर हो जाएगा और वो सारे पैसे सिक्सटी डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर को पे कर दिए जाएंगे ये था सेक्शन 235 थर्टी फाइव ऑल टूगेदर डिफरेंट सेक्शन विच वॉज से अबाउट कॉर्पोरेट टेक ओवर सेक्शन टू क्या बोलता है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग अभी ये कहां पे पिक्चर में आता है अगर कोई भी स्कीम नहीं है कोई भी uh, कोई नई ऑफर नहीं रखनी है बट बिकॉज ऑफ एनी अमाल बिकॉज ऑफ एनी इवेंट टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ एनी मर्जर अगर कोई एक ही बंदा चाहे वो नेचुरल बंदा है आर्टिफिशियल बंदा है अगर वो एक ही बंदा किसी कंपनी के 90 परसेंट से ज्यादा शेयर्स का होल्डर बन गया तो वो बाकी के जो दस टका शेयर होल्डर्स है उनको एक ऑफर दे सकता है कि प्लीज ट्रांसफर द शेयर इन माई नेम क्यों ऐसा कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही शेयर होल्डर है 90 से ज्यादा वो कभी भी इस कंपनी को कन्वर्ट कर देगा अनलिस्टेड करवा सकता है पार्टनरशिप में कन्वर्ट करवा सकता है बाकी के दस टका लोगों का उसमें रहना अभी इतना अच्छा नहीं रहेगा तो जनरली बाकी के दस टका ये ऑफर एक्सेप्ट करके अपने शेयर उसे बेच देंगे ताकि वो चाहे उस तरीके से कंपनी को संभाले तो इसकी भी एक प्रोसीजर है जो बताई गई है सेक्शन 236 में परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग नी पर्सन हुआ डिरेक्टली और इनडिरेक्टली बिकम्स रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ नाइन्टी परसेंट ऑफ इक्विटिटल शेयर एक्सचेंज ऑफ एनी अदर रीजन ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब सडनली एक इन्वेस्टर बन जाता है मोर देन नाइनटी परसेंट का इक्विटी शेयर होल्डर तो वो क्या करेगा इन्फॉर्म करेगा कंपनी को और बाकी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हिज इंटेंशन टू परचेज द शेयर

देखो आपको पता होगा सेबी का एक अदर लॉ भी है कि अगर कोई बंदा 90 परसेंट से ज्यादा का शेयर होल्डर है तो वो कंपनी को अनलिस्टेड कर सकता है अच्छा मान लो मेजोरिटी को ये शेयर परचेज नहीं करने माइनॉरिटी को सामने से चाहिए कि ये बंदा हमारे शेयर परचेज कर ले तो वो सामने से जा सकता है मान लो मेजोरिटी जो 90 परसेंट शेयर होल्डर है उसने दस टका वाले को बोला कि मैं आप लोगों के शेयर सौ रुपए में परचेज करना चाहता हूं माइनॉरिटी शेयर होल्डर जितने भी है उनको चाहिए कि नहीं यार सौ नहीं हमें तो एक सौ दस चाहिए

तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो भी मेजोरिटी ये शेयर परचेस कर पाएगा भले ही फिर वो डिलिस्ट कर देता है कंपनी को या भले ही वो एक साल का पीरियड खत्म हो जाता है ये राइट right तो उसके पास अवेलेबल ही रहेगा अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कई कबार सेंट्रल गवर्नमेंट सी कंपनीज को मर्ज कर देती है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मर्ज द कंपनीज दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 237 सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मर्ज और अमालमेट एनी टू और मोर कंपनीज इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो ही मर्ज करेगी सेंट्रल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड द शेयर एक्सचेंज रेशियो और अदर कंपनेशन इफ एनी शेयर होल्डर क्रेडिटर और अदर पार्टी इज नॉट अक्वायरिंग सेम इंटरेस्ट और नियरली सेम इंटरेस्ट तो शेयर होल्डर्स को क्या क्या राइट मिलेंगे वगैरह वगैरह एनी लीगल सूट जो पुरानी कंपनी के सामने चल रहे थे वो नई कंपनी कंटिन्यू करेगी

यू ऑल्सो गिव अ टाइम फॉर प्रीफरिंग अपील और यहाँ तो अपील की है पर वो डिस्पोज हो चुकी है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिमम दो महीने का टाइम देना चाहिए कोई मॉडिफिकेशन या सजेशन देने के लिए अगर ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है तो ही उसका ऑर्डर वैलिड माना जाएगा वरना उसका ऑर्डर वैलिड माना जाएगा नहीं सो देट वॉज अ नॉर्मल स्कीम नॉर्मल प्रोसीजर फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेजमेंट एक फास्ट ट्रैक मेथड उसकी बताई डिसेंडिंग शेयर होल्डर के शेयर कैसे अक्वायर कर सकते हो माइनॉरिटी के शेयर होल्डर केक्वाइर कर सकते हो एंड लास्ट वन हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अरेंजमेंट नाउ लेट एस स्टार्ट डिस्कसिंग चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन इन मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है क्या ये चीज बहुत सारे लोगों को पता है और रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री वाले केस के वजह से ये पॉपुलर भी हो गया कंपनी में जनरली दो तरीके के शेयर होल्डर होंगे एक वो जिनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है फिफ्टी वन परसेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट दूसरा जो माइनॉरिटी है लेस देन फिफ्टी परसेंट कंपनी के ज्यादातर डिसीजन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से या स्पेशल रिजोल्यूशन से होंगे और वो तो ये मेजोरिटी ही कर देंगे तो हर बार ऐसा हो सकता है कि माइनॉरिटी की आवाज ना सुनी जाए और ये जो मेजोरिटी डिसीजन ले रहे हैं वो शायद माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो उनके राइट्स के प्रिजुडिशियल इंटरेस्ट हो वगैरह वगैरह ये अगर हो रहा है तो माइनॉरिटी को राइट right दिया गया है कि वो लोग ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पे हमारी कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है मिसमैनेजमेंट हो रहा है हमारे राइट्स को प्रिजुडिशियली ये लोग डिफीट कर रहे हैं ट्रिब्यूनल पिक्चर में आएगा वो नेसेसरी ऑर्डर पास करेगा मैनेजमेंट अपने पास लेके अपने बंदों को बिठाएगा जो भी प्रिज्यूडिशियल काम हुआ है उन सबको रिवाइव करवाएगा ये सारी चीजें ट्रिब्यूनल के पावर में है ये माइनॉरिटी को एक शील्ड दिया गया है जैसे साइरस मिस्त्री जी को निकाल दिया गया तो वो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर में आते थे बिकॉज द द ग्रुप वाज नॉट हैविंग मोर देन 50 ऑफ द शेयर होल्डिंग दे वेंट टू द ट्रिब्यूनल एंड लेटर ऑन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केस में उनको वापस उनकी पोजीशन पे लाया गया यहां पे हम लोग लॉफुल क्या है अनलॉफुल क्या है ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे वो तो कंपनीज के दूसरे सेक्शन डिस्कस करते हैं यहां पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि माइनॉरिटी के लिए ये चीज अच्छी है कि नहीं एक चीज में ये बताऊं कि अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिससे मेजोरिटी भी अफेक्ट होती है और माइनॉरिटी भी अफेक्ट होती है तो वो ऑपरेशन के केस में नहीं आएगा क्योंकि ये तो सबको एप्लीकेबल होता है ना पर अगर कोई ऐसा डिसीजन जिससे मेजोरिटी को तो फायदा हो रहा है पर माइनॉरिटी को फायदा नहीं हो रहा है उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है वो इस चैप्टर में फॉलो होगा सो बेसिकली वॉट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इफ ऑफ कंपनी इज कंडक्टेड मिसमैनेशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और ऑपरेसिव टू द मेंबर और प्रिज्यूडिशियल टू द कंपनी और मटीरियल चेंजेस आर डन इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी विच इज प्रिज्युडिशियल टू द इंटरेस्ट कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ सैरस मिस्त्री वाला केस

ये बताया गया है सेक्शन 244 में जो मैंने यहां पे ही कवर कर लिया माइंड वेल well, ये नोट्स मैंने बहुत ही ध्यान से बनाई है जिसमें मॉड्यूल का एक एक चीज कवर हो गया एक एक चीज और इसका भी अगर ज्यादा इलाबरेटिव वर्जन आपको देखना है विध ऑल दी एक्साम्पल्स एंड सो यू कैन गो टू माई फास्ट ट्रैक विच इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन डॉट जेकेश क्लासेस एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कितने मिनिमम लोग चाहिए अप्लाई करने के लिए अगर कंपनी ऐसी है जहां पे शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन मेंबर्स और नॉट लेस टेन परसेंट ऑफ टोटल नंबर्स और नॉट लेस देन ऑफ शेयर कैपिटल जिनके सारे कॉल्स पेड हो जाने चाहिए जो मंगवाए हैं एटलीस्ट उतने इनमें से जो भी कम है वो यानी कि हंड्रेड या तो टेन परसेंट या तो टेन परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल जिसके पास है वो ऐसा हो सकता है कि ये करने में मान लो कंपनी में टोटल आठ शेयर होल्डर है तो आठ का दस टका करूँ तो वो एक ही होगा ना तो एक शेयर होल्डर भी यहां पे ट्रिब्यूनल के पास जाके अप्लाई कर पाएगा इट इज पॉसिबल और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वन फिफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ में बीस टका अगर मान लो रिक्विजिट नंबर नहीं हो रहे पर फिर भी उनका पॉइंट बहुत ही ज्यादा वैलिड है तो ट्राइब्यूनल कैन वेव ऑफ दिस रिक्वायरमेंट ऑल्सो ट्रिब्यूनल ऐसा बोल सकता है कि भले ही तुम लोग मिनिमम नंबर फुलफिल नहीं कर रहे हो फिर भी तुम्हारी एप्लीकेशन में अलाउ करता हूं ट्रिब्यूनल को ये राइट दिया गया है अगर ये एप्लीकेशन करने के बाद ट्रिब्यूनल इज ऑफ दी ओपिनियन दैट ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट को यहां पे अप्लाई कर पाएगी एंड सीजी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट पर्सन ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है लॉ और बिजनेस नॉट कंडक्टेड विथ साउंड बिजनेस प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस और कंपनी कंडक्टेड बाय द पर्सन इन अ मैनर दैट कॉज इंज्यूरी टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस ऑफ कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कब कब ऐसा लग सकता है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है कोई लॉ फॉलो नहीं किया अनलॉफुल एक्टिविटी हो गई इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड को प्रिजुडिशियली तुमने इंजर किया यानी कि कोई इस तरीके से अमाल कर रहे हो कोई इस तरीके से तुम लोग अपना एक कलाज बना रहे हो एक ग्रुप बना रहे हो जिससे पूरी इंडस्ट्री के कम हो हो गए, रहे बाकी उस बंदे को गिली प्रूव कर दिया गया और उसको ऑफिस में से निकाल दिया गया देन इन एनी कंपनील गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने के बाद इस 5 साल को कम कर सकता है हाँ, इसके लिए उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा ये याद रखना तो ट्राइब्यूनल के पास आप अप्लाई कर सकते हो सीजीबी भी अप्लाई कर सकता है सीजी किसी एक बंदे को निकालने के लिए भी ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकता है थोड़े जजमेंट है जो यहां पे आपको पढ़ने हैं जो मैंने स्पेसिफिकली यहां पे लिखे हुए हैं नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड इज नॉट अ ऑपरेशन बोर्ड डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है सारा प्रॉफिट प्लाउबैक कर रहा है ये आपका ऑपरेशन नहीं हुआ डिविडेंड तो किसी को नहीं मिल रहा है ना ऐसा थोड़ी है सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा है और ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है लेट धैम डिसाइड वेदर टू यूज द मनी अगेन इन द बिजनेस टू गिव द डिविडेंट कंटिन्यूअस लॉसेस इज नॉट अ ऑपरेशन कंपनी लॉस कर रही है अरे ये गलत हो सकता है पर ये ऑपरेशन नहीं है क्योंकि मेजोरिटी भी लॉस सफर कर रहे हैं ना

सिर्फ तो करंट में सकता है. The share, एक है जिसके तीन ओनर है तो वो एक ही माने जाएंगे एप्लीकेशन कैन बी डन बाय मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर दर इज नो क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम सो इवन मेजोरिटी शेयर होल्डर कैन फाइल अगेंस्ट माइनॉरिटी ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया मेजोरिटी शेयर होल्डर ऐसा बोल रहा है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमें ऑपरेसिव बना रहे सिंपल एग्जाम्पल दू 163, अगर किसी किया, तो से बोर्ड का टू थर्ड से ज्यादा आपको माइनॉरिटी में से डिरेक्टर लाना पड़े अगर मान लो वो डिरेक्टर सिर्फ माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे और मेजोरिटी को इग्नोर कर रहे तो यहां पे मेजोरिटी ट्रिब्यूनल में जाएंगे और बोलेंगे कि माइनॉरिटी हमें ऑपरेसिव कर रहे अलाउड है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नंबर बोला है ना मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये तो बोला नहीं है कंप्लेन दैट मैनेजमेंट हैज एंटर्ड इन इलीगल एक्ट आर नॉट बेस फॉर ऑपरेशन अनलेस इट इज प्रूव दैट इट इज ऑपरेसिव टू माइनॉरिटी जैसे मैंने बताया लीगलिटी नहीं देखनी है ऑपरेसिव है कि नहीं वो देखो प्रिजुडिशियल इंटरेस्ट टू एनी पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर विल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन सेक्शन 242 क्या बोलता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल एक बार ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि हाँ ये ऑपरेसिव मैनर में प्रिजुडिशियल मैनर में कंपनी चल रही है तो ट्रिब्यूनल बहुत सारे पावर्स रखते हैं बहुत सारे ऑर्डर पास करने के ट्रिब्यूनल विल पास ऑर्डर व्हेन ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनीज अफेयर आर प्रिजुडिशियल प्रिजुडिशियल टू द ट्रेड प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह और ऑपरेसिव इन द नेचर टू द माइनॉरिटी अप the, the या तो ट्रिब्युनल को लगता है कितनी खराब सिचुएशन हो गई है कि ये अभी वाइंड अपनी छोटी कंप्लेन नहीं बड़ी कंप्लेन है इसकी इम्पैक्ट बड़ी आने वाली है तो जाके ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा और ऑर्डर में उसके पास कौन से कौन से पावर है टू बी वेरी फ्रेंक वो पूरी कंपनी को संभाल लेगी पूरी कंपनी को खुद मैनेज कर लेगी

कि फिलहाल कंपनी कोई भी शेयर्स इंडिविजुअली ट्रांसफर नहीं करने देगी अभी स्टैंड बाय हो जाएगा चीजें टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनी अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एमडी डायरेक्टर मैनेजर और कंपनी एंड अदर्स कंपनी के दूसरे लोगों के साथ जो भी डीलिंग है जो भी अग्रीमेंट है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग दूसरे चीजों के रिगार्डिंग उनको ड्यू नोटिस देने के बाद और उनकी कंसेंट लेने के बाद ये अग्रीमेंट आप कैंसिल कर सकते हो जिसके लिए आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा ये सेक्शन 243 में हम पढ़ेंगे टू सेट असाइड एनी ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ द गुड्स और पेमेंट और अदर एक्ट एप्लीकेशन के पहले आप लोगों ने कोई असेट ट्रांसफर की थी कोई गुड्स ट्रांसफर किए थे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था जिसके वजह से माइनॉरिटी को लगा कि ये प्रिजुडिशियल है और अगर उस ट्रांसफर के तीन महीने के अंदर अंदर 241 की एप्लीकेशन हुई है तो ट्राइब्यूनल ये ट्रांसफर को सेट असाइड करवा सकता है हाँ अगर ये ट्रांसफर होने के तीन महीने के बाद आप अप्लाई करते हो तो कुछ नहीं हो सकता फिर दे कैन रिमूव एम डी मैनेजर डिटर वो लोग करंटली जो मैनेजर मैनेजमेंट है उसे रिमूव कर सकते हैं और नए डिरेक्टर खुद अपॉइंट कर सकते हैं याद रखना मैंने आपको ये सेक्शन 169 में बताया था कि जो डिरेक्टर ट्राइब्यूनल करती है अंडर सेक्शन टू फोर्टी टू द शेयर होल्डर अंडर सेक्शन वन सिक्सटी ट्रिब्यूनल कैन पास ऑर्डर टू रिकवर अंडियो गेन फ्रॉम द मैनेजरियल पर्सोनल अगर उन्होंने कोई गेन कमाया है तो वो रिकवरी कैसे किया जाए वो बताएगा Can and such can't be by the उस कॉस्ट को रिकवर करवा जा सकता है ये सारा ऑर्डर होगा पर वो फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए एनी अदर ऑर्डर प्रोसेस क्या एक सर्टिफाइड कॉपी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की होगी जो आरोपी को सबमिट की जाएगी विद इन थर्टी डेज ट्रिब्यूनल कैन पास इंट्री मॉडल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ कंपनी इन के फाइनल ऑर्डर तो मैं ला रहा हूँ बिजनेस कंडक्ट करने के लिए क्योंकि वो तो रोज का रोज होता है तो उसके लिए एंट्री मॉडल भी ट्रिब्यूनल इन एमओ एंड इट नॉट है डिरेक्टर्स alter कोई पावर को दिए गए हैं वो सारी चीजें ट्रिब्यूनल को अल्टर करनी है रिमूव करनी है कुछ एड करना है ट्रिब्यूनल खुद ही एमओए एओए को अल्टर कर देती फिर चाहे भले ही शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ और ये वही यही माना जाएगा कि यह शेयर होल्डर ने ही इसे अल्टर किया है और ट्रिब्यूनल ने जो चीज अल्टर की उसे कंपनी वापस चेंज नहीं कर पाएगी एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल और यह न्यू एमओए की सर्टिफाइड कॉपी भी आपको आरओसी को भेजनी पड़ेगी जो ट्रिब्यूनल ने अमेंड की है अगर ट्रिब्यूनल ने कोई चीज जो अमेंड की जो अल्टर की वो चीज कंपनी वापस अल्टर करने का ट्राई करती है तो कंपनी को एक लाख से लेकर पच्चीस लाख तक की पेनल्टी और ऑफिसर्स को भी पेनल्टी लग जाएगी पच्चीस हजार से लेकर एक लाख तक मैंने आपको अभी अभी बताया कि कंपनी अपने एमडी मैनेजर या डब्ल्यू के साथ जो अग्रीमेंट हुए है उसे मॉडिफाई कर सकती है टर्मिनेट कर सकती है मॉडिफाई या टर्मिनेट कर सकती है ये मॉडिफाई या टर्मिनेट करने के वक्त

वो इसी कंपनी में दूसरी बार एमडी मैनेजर पांच साल के लिए नहीं बन सकते हाँ ट्रिब्यूनल चाहे तो इस पीरियड को रिड्यूस कर सकती है बाय अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस सेक्शन का कंट्रावेंशन हुआ तो पेनल्टी लग जाएगी पांच लाख तक की दैट इज ओके तो ये 242, 243 साथ में ही पढ़ना था विच इज अ टोटल पावर गिवन टू ट्राइब्यूनल आप समझ सकते हो ये चैप्टर है छोटा पर हाइएस्ट क्वेश्चन आता है किस चीज के रिगार्डिंग हाइएस्ट क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नंबर

जिसमें से भी इस बार की नई मॉड्यूल में एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाले गए सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ फॉर यू सेक्शन 245 क्लास एक्शन आप लोगों ने अगर ओ माय गॉड मूवी देखा है तो ये क्लास एक्शन पता रहेगा एक ही चीज के लिए ढेर सारे लोग केसेस करने आ जाते हैं तो कोर्ट हर एक केस इंडिविजुअली नहीं चलाएगा वो एक लीड एप्लीकेंट सिलेक्ट कर देगा जो इन सारे केसेस को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा और जो जजमेंट आएगा वो एक साथ इन सभी केसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा तो इसे मर्ज जो हम करते हैं इन सारे केसेस को जो क्लब करते हैं इसे क्लास एक्शन बोला जाता है मान लो माइनॉरिटी है 49 उसके पांच छह ग्रुप है अलग अलग एक ग्रुप ने में अप्लाई किया ऑपरेशन के लिए दूसरे ग्रुप ने अप्लाई किया तीसरे ग्रुप ने अप्लाई किया डोंट यू थिंक ट्रिब्यूनल पागल हो जाएगा कितने केस एक साथ चलाएगा तो बेटर ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा सारे केस को मर्ज कर दो आप लोग एक लीड एप्लीकेंट सिलेक्ट कर दो या तो मैं सिलेक्ट कर देता हूं और फिर वो केस आगे बढ़ाएंगे तो एक ही केस चलाएंगे पर उससे पांच छह केस एक साथ खत्म हो जाएंगे इसे हम बोलते हैं क्लास एक्शन ये क्लास एक्शन बैंकिंग कंपनी के सामने नहीं हो सकता इसके अलावा इट इज वैलिड कितने लोग मिलके क्लास एक्शन के लिए अप्लाई कर सकते इसकी हैं इसकी लिमिट्स अलग है वापस इफ अ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल देन नॉट लेस देन हंड्रेड नंबर ऑफ मेंबर्स और नॉट लेस देन फाइव ऑफ टोटल मेंबर और Not less than 5 of share capital, अगर है तो अगर लिस्टेड है तो दो टका विच एवर इज लोअर नॉट लेस देस देन फाइव परसेंट ऑफ टोटल और नॉट लेसेंट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल अगर अनलिस्टेड है तो अगर लिस्टेड है तो नॉट लेस टू परसेंट विच एवर इज लोअर यहाँ पे अगर डिपोजिटर्स क्लास एक्शन के लिए जा रहे शेयर होल्डर्स नहीं डिपोजिटर्स तो पांच टका देखना है चाहे वो अनलिस्टेड है या लिस्टेड है अगर कंपनी गारंटी वाली कंपनी है जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो ट्वेंटी को रोकना है टू रिस्ट्रेन द कंपनी कमिटिंग वायरस एक्ट कोई लॉ के बाहर की चीज करने जा रहे हैं और उन्हें रोकना है टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम टू डिक्लेयर एनी रिजोल्यूशन पास अल्टर एज अ वर्ड बिकॉज इट वॉज पासन ऑफ अ फैक्ट एम ओ ए चेंज करवा लिया डिरेक्टर्स ने मिलकर बहुत सारी जानकारियां छुपाई थी अगर वो पहले बताई होती तो ये अलाउड ही नहीं किया जाता टू रिस्ट्रेन द कंपनी फॉर डूइंग एनी एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू द एक्ट टू रिस्ट्रेन एनी कंपनी फ्रॉम एनी एक्शन विच इज कॉन्ट्ररी टू अर्लियर रिजोल्यूशन पास तो कोई टू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम कंपनी और डायरेक्टर फॉर एनी फ्रॉडुलेंट एक्ट फ्रॉम ऑडिटर इंक्लूडिंग द फॉर्म ऑफ ऑडिटर फॉर एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम एनी एक्सपर्ट फॉर एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट अगर फॉर्म है तो हर एक पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल रहेंगे तो कंपनी को रोकना है कोई रिजोल्यूशन के खिलाफ काम करने से एमओए के खिलाफ काम करने से एमओए को अल्टर नहीं करने देना है अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं करने देना है कंपनी के फ्रॉड के वजह से कोई डैमेजेस हुए जो रिकवर करवाना है ऑडिटर के स्टेटमेंट को ध्यान में रख के आप लोगों ने कुछ काम किया जिसके वजह से लॉस हुआ क्योंकि वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट था कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आपको मिसलीडिंग लगा ये सारी चीजें अगर आपको उसे रोकना है तो जाके आप क्लास सेक्शन में जा सकते हो सेक्शन टू में

आप लोग जो बोल रहे हो क्या उसका कोई एविडेंस अवेलेबल है आपके पास वेदर इन द केस ऑफ एक्शन इज यट टू अकर और हैज ऑलरेडी बीन इंकर्ड इफ इट इज यट टू अकर वेदर कंपनी इज ऑथोराइज टू डू अगर हाँ तो क्या वापस वो रेटिफाई कर पाएगी अगर हाँ तो ये जाने दो सिंपल ऑर्डर पास कर दो रेटिफिकेशन का अगर ऑलरेडी हो चुका है तो क्या अभी रेटिफाई हो सकता है अगर ना तो फिर जाके आप बात में सोचोगे ट्रिब्यूनल अगर वो ये एक्शन एक्सेप्ट करती है अगर उसे लगता है कि कंपनी को रोका जा सकता है या तो रेटिफाई की जा सकती है ये इट विल सेंड अ पब्लिक नोटिस टू ऑल द मेंबर एंड सबको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी क्लास एक्शन हुई है तो बाकी भी जिसको लिखा नहीं है अपनी कंप्लेट वो लिखा सके ऑल द सिमिलर एप्लीकेशन विल बी कॉन्सोलिडेटेड इन सिंगल एंड क्लास मेंबर्स और विल बी अलाउड टू में लीड एप्लीकेंट लीड द केस इफ दे फेल टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ दैम ट्रिब्यूनल विल एनी वन ऑफ टेक अ लीड

कंपनी को पांच लाख से लेकर पच्चीस लाख की पेनल्टी लगेगी और ऑफिसर को इम्प्रिजमेंट लग सकता है पावर्स ट्रिब्यूनल इज हैविंग 243 अगर अग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो कंपनसेशन क्लेम कर पाओगे कि नहीं टू कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए टू में अप्लाई करने के लिए 245 class action to restrain company and combination of all the same nature of complaint and selecting one lead com lead uh, applicant who will uh, you know carry forward the case in the tribunal so that was chapter number six operation mismanagement prevention from operation and mismanagement are you understanding this yes or no thank you so much